शरद नवरात्र के 10वें दिन और दीपावली से ठीक 20 दिन पहले दशहरा आता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयदशमी या दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। यह असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसीलिए इस विजय उत्सव में शस्त्र की पूजा का भी विधान है। इसीलिए देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस में भारत को मिलने वाले राफेल विमान की पूजा करेंगे, लेकिन अयोध्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राइफलों, पिस्टलों और रिवॉल्वरों को साथ साथ तलवारों जैसे शस्त्र की पूजा अर्चना की। इस मौके पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम का आयोजन हुआ और भाजपा नेताओं की मौजूदगी में संघ की देश के उत्थान में भूमिका को बताया गया। वहीं ऋषिकेश उपाध्याय में अयोध्या सर्वप्रथम देशवासियों को और रामनगरी वासियों को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं संघ के जो मुख्य पर्व है उसकी दी। विजयदशमी और संघ स्थापना दिवस है। शास्त्रों की रक्षा के लिए शस्त्र की भी आवश्यकता होती रहती है, इसीलिए हमारे यहाँ शस्त्र का भी विधान है। इसलिए हम शस्त्र की पूजा करते हैं और हमारे यहाँ तो सबके सम्मान का विधान है, सबका साथ सबका विकास करते हैं और अनेक वर्षों से विजयदशमी के इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। शस्त्र पूजा का क्या प्रावधान है? सर्वप्रथम तो विजयदशमी की सभी देशवासियों को, सभी रामनगरी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। संघ के जो मुख्य पर्व हैं उसमें एक विजयादशमी और आज संघ का स्थापना दिवस है। शास्त्रों की रक्षा के लिए शस्त्र की भी आवश्यकता होती है, इसलिए हमारे यहाँ शस्त्र का भी विधान है, उसकी आज पूजा करते हैं और हम लोग तो सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं। उसी क्रम में हम लोग अनेक वर्षों से विजयादशमी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। यह कार्यक्रम था जो था।